بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اياك نعبد واياك نستعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم मरी علمني يا यालीम علمني الحمد لله आज हमारा علم الصرف का तीसरा सबक है अल्लाह दुआ है कि इस सबक़ को भी हमारे लिए आसान बनाए आम फहम बनाए और ये सर्फ को सही तरीके से सीखने और फिर इसकी बरकत से कुरान अद मुबारका और दीन का सही फहम नसीब फरमाए और हम सब को अपने के लिए अपने वालदेन के लिए अपने बड़ों के लिए जारिया बनाए हमारा यहाँ पर बैठना पढ़ना पढ़ाना कबूल फरमाए तो हमने कल के सबक में बल्कि पहले वाले सबक में हमने पढ़ा कि आदमी जो है वो तीन तरह के होते हैं मतक्लम बोलने वाला हाजिर जो सामने मौजूद हो जिससे बात की जा रही हो जिसको ख़िताब किया जा रहा हो गायब जो मौजूद ना हो मजलिस में ठीक है जिसके बारे में बात की जाती है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हमने पाँच अल्फाज या पाँच सीखे जो है वो सीख लिए थे हमने पांच सीगे जो है वो सीख लिए थे पहला सीगा हम आखिर में ता मजमूम लगा दें ता मजमूम से मुराद वो ता के ऊपर पेश हो ज़म्मा हो जैसे अकल तो मैंने कहा मतकलम का है और इसी तरह ता मफतूह आखिर में लगा दें अकलता ठीक है ता जबरता इसका माना होता है आपने खाया इसी तरह अगर आखिर में ता मकसूर लगा दें जैसे अकलती आप एक औरत ने खाया ठीक है और इसी तरह अगर आखिर में ता साकिन लगा दें और आखिर फिर उससे पहले ज़बर आ जाएगा जैसे अकलत उस एक औरत ने खाया और अगर ता बिल्कुल ना हो उसको ख़त्म कर दें अकला अकला उस एक मर्द ने खाया तो पांच शिगे हो गए अकल तु अकलता अकलती अकलत और अकला ये अलहमदिल्ला आपको याद हो चुके हैं तकरीबन मुख्तलिफ अच्छी मुख्तलिफ़ अल्फाज से आपकी प्रैक्टिस करवाई ये अलफा भी आपको याद हुए होंगे ठीक है अकल तो शरीब तो क़़रा तो सामीज़ तो फ़ालत ये अल्फा आपको याद हो गए ठीक है अब कुछ नए अल्फाज हैं हमने वो अलफ़ा सीखने हैं उन अल्फाज को सीखना है याद करना है और उसकी प्रैक्टिस में जुबानी बता रहा हूँ लिखे हुए नहीं है यहाँ पे आप अपने पास बेशक कॉपी पर लिखना शुरू कर दें ठीक है ये छह मजीद नए अल्फाज है वह कि हमारे वो हमारे वोकेबलरी में इजाफा होगा ठीक है इनको हमने याद करना है पहला लफ्ज़ है खा राजा खा राजा वो निकला अब ये खराजा से यही पांच चीज़ें मैंने पढ़ने हैं ठीक है मेरे साथ ही पढ़ते जाना है जिस अंदाज से मैं पढ़ूंगा सी मुतकलिम का खराज तू मैं निकला खराज था आप एक मर्द निकली थी, आप एक औरत निकली और वो एक मर्द निकला खराजा, वो एक मर्द निकला ये स्क्रीन पे आप लोग ये गंद वगैरह ना मचाएं बराए मेहरबानी ये आपका बोर्ड नहीं है रा ख्याल रखें, डिस्टर्ब ना करें सबक में। खराजा वो एक मर्द निकला ठीक है ये खराजा ये आपने ये पांच अल्फाज जो मैंने पांच सिखे आपको बता दी है, बना के ये आप लोगों ने कॉपी में लिख लेने हैं ठीक है ये खराजा आपको याद हो गया जी याद हो गया सबको समझ में आ गया पांच सिखे जो मैंने बता दिए कैसे बनाने हैं जी बिल्कुल ठीक आगे दूसरा लफ्ज है द खा द दाखिल होना दाखिल होना ठीक है अब इससे पांच अल्फ बनाता जाऊंगा मैं दखल तू त मजमूम लगा दिया मैं दाखिल हुआ दखलता आप एक मर्द दाखिल हुई दखलती आप एक औरत दाखिल हुई और द वो एक औरत दाखिल हुई द वो एक मर्द दाखिल हुआ ये अलहमदुल्ला दूसरा लफ्ज भी हमने सीख लिया तीसरा लफ्ज है जलसा जलसा कमाना होता है बैठना जलसा कमाना इस कमाना क्या होता है, है, है बैठना तू मैं बैठा जलसता आप एक मर्द बैठे जलस्ती आप एक औरत बैठी जलसत वो एक औरत बैठी जलसा वो एक मर्द बैठा जलसा वो एक मर्द बैठा ये बात समझ आ गई तीसरा लफ्ज है चौथा लफ्ज है अच्छा ये जलसा जलसा के साथ एक और लफ्ज भी आप याद रखिए इधर का आधा का आधा कमाना भी होता है बैठना का आधा कमाना भी क्या है बैठना इसी तरह चौथे नंबर पे बाकी पांच सीखें आप खुद बना लीजिएगा का आधा से का आदत नंबर चार कतबा उसने लिखा कतब तू मैंने लिखा कतब था आप एक मर्द ने लिखा कथब थी आप एक औरत ने लिखा कतबत उस एक औरत ने लिखा कतबा उस एक मर्द ने लिखा नंबर पांच पे आ जाए सकता गिरना वो गिरा सकत तू सकत तू मैं गिरा सकत सकता आप एक मर्द गिरे सक आप एक औरत गिरी सकाफत वो एक औरत गिरी सा वो एक मर्द गिरा ठीक है हर यहाँ पे था और था ये तजवीज आपकी बेहतर होनी चाहिए ठीक है था और औरत में फर्क करना है हर हर रबा भागने के माना में हराब तगा हराबता आप एक मर्द बागे हराबती आप एक औरत बागी हर अबत वो एक औरत बागी हर वो एक मर्द भागा बाजुत भागने की भी जरूरत पड़ती है ना कि आपने अरबी में कैसे कहना कि मैं भाग गया मैं भाग गया था तो ये लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे ठीक है तो ये छह अल्फाज हो गए इन छह अल्फाज को आपने याद करना है इन छह अल्फाज को क्या करना है याद भी करना है और इन छह अल्फाज को जो कल हमने पांच सीखे पढ़े हैं उनमें इस्तेमाल भी करना है उम्मीद करता हूं कि आपने लिख भी लिया होगा आपने लिख भी लिया होगा आगे आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं उसकी तरफ जाएंगे अल्लाह अकबर कसीरा जी ये आपके सामने नक्शा नजर आ रहा होगा हम क्या पढ़ पढ़ रहे हैं फेल माजी गुजरे हुए जमाने की बातें कर रहे हैं ठीक है गुजरे हुए जमाने की बातें कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाँच सीख़े जो है वो सीख लिए हैं हमने पाँच सीखे जो है वो सीख लिए हैं कुछ शुरु में मैंने आपको बताया था मतकलम बोलने वाला आज़िर जो सामने मौजूद हो जिससे बात की जा रही हो गायब जो सामने मौजूद ना हो जिसके बारे में बात की जा रही हो ठीक है फिर इनमें से हर एक की दो दो किस्म है ये मुतकलम जो होता है बोलने वाला मर्द भी हो सकता है औरत भी हो सकती है मर्द को मुजक्कर और औरत को बोलेंगे, तो मुतकल के लिए अरबी जुबान में एक ही लफ्ज इस्तेमाल में क्या होता है, एक ही माल होता है अकल तो मैंने खाया अब ये अकल तो मैंने खाया मर भी हो सकता है मर भी कह सकता है औरत भी कह सकती है अकल तो मुजक्कर और मुनस के लिए अलग से लफ्ज नहीं है ठीक है अकल तो दोनों के लिए हाजिर में तू ने काया. क्या तू ने अकलता अकलता तू एक मर्द ने खाया इसके लिए हाजिर मुजक्कर के लिए अलग लफ्ज है ठीक है और हाजिर मुअन्नस के लिए अलग लफ्ज है, है. अकलती तू एक औरत ने खाया ठीक है इसी तरह गायब में भी मुजक्कर भी है मोहानस भी है मुजक्कर के लिए क्या है अकला अकला उसे एक मर्द ने खाया मोहनस के लिए क्या है अकालत ठीक है अकलत तो ये तीन अल्फाज हमने सीख लिए ये पांच सीखे जो है हमने सीख लिए है मुतकलम जो है वो मुज़क़्कर भी हो सकता है मुअन्नस भी हो सकता है लेकिन मुज़क़्कर मुअन्नस दोनों के लिए एक लफ्ज अरबी में इस्तेमाल होता है अकल तो तापिश हम लगा देंगे ठीक है हाजिर जो है वो मुजक्र भी हो सकता है मुन्नस भी हो सकता है मैं आपसे बात ही कर रहा हूं आप में मर्द भी हो सकते हैं औरतें भी हो सकती है ठीक है तो मुजक्कर मर्द ने खाया अकल थी आप एक औरत ने खाया इसी तरह गायब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो मौजूद नहीं है वो मर्द भी हो सकता है मोहनस भी हो सकती है अकल उसे एक मर्द ने खाया अकलत उस एक औरत ने खाया अच्छा ये जो तीन आपको बता दिए मुतक्लिम हाजिर गायब और फिर इनकी हर एक की दो दो किस्म मुज़क़्कर मोानस मुज़क़्कर मोानस मुज़क़्कर मोानस आगे फिर इनकी तादाद जो है वाहिद भी हो सकती है तस्निया भी जमा भी अब मैं जो हूं एक मर्द भी हो सकता हूँ एक औरत भी हो सकता हूँ आप एक भी हो सकते हैं दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं वो जो गायब है वो एक भी हो सकते हैं दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकती हैं ठीक है ऐसा ही है कि नहीं तो अभी हमने जो पढ़े हैं पांच अल्फाज ये वाहिद के हमने पढ़े एक के लिए यानी मैं एक मर्द ने कहा या मैं एक औरत ने कहा आप एक मर्द ने कहा आप एक औरत ने कहा उस एक मर्द ने कहा उस एक औरत ने कहा गोया तो कि अभी तक हमने वाहिद को डिस्कस किया है हमने क्या किया है वाहिद को एक को एक के बारे में हमने गुफ्तु करनी है माजी में वो हमने बताई है अब हम आज जो सीखने जा रहे हैं जमा को तस्निया को बाद में करेंगे ठीक है पहले हम जमा को लेंगे पहले हम क्या करेंगे जमा को लेंगे ठीक है वो भी बहुत ही आसान है कोई मुश्किल नहीं है वो भी बहुत ही आसान है मुश्किल नहीं है जमा कैसे आसान है अगर कलिमे के आखिर में नून अलिफ, ना हम लगा दें नून अलिफ ना बढ़ा दें नून अलिफ ना हम बढ़ा दें तो क्या बन जाएगा जमा मुतकलिम जैसे अकल ना अकल ना नून अलिफ ना बढ़ा दिया अकल ना हमने खाया अकल ना हमने खाया हम सब ने खाया अकल तो का मतलब क्या था मैंने खाया मैं एक मर्द ने खाया मैं एक औरत ने खाया अकल ना हम सब ने खाया अब हम सब मर्द भी हो सकते हैं हम सब औरतें भी हो सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे मैंने अल्फाज ये लिखा है अगर कलमे के आखिर में ना आ जाए तो ये जमा मुतकल की आलामत है और इसका तर्जुमा हमसे करेंगे जैसे वो जो पिछले हमने जुमले पढ़े थे वो तो आपको याद हो चुके हैं अकल ना हमने काया शरीब ना हमने पिया मेरे साथ पढ़ते जाए ना हमने पढ़ा यहाँ पे थोड़ी मत भी करनी है ठीक है समी ना हमने सुनाज ना हमने याद किया फाल ना हमने किया फाल ना हमने किया वो जो अच्छे नए अल्फाज हमने सीखे खरज ना हमने दखल ना हम दाखिल हुए सकत ना हम गिरे जलस ना हम बैठे हरब ना हम बागे ठीक है तो ये बात समझ आ गई अगर कलमे के आखिर में नून अलिफ ना बढ़ा दें नून अलिफ ना बढ़ा दें तो ये जमा मुतकलम है हम तर्जुमा करेंगे ये क्या है जमा मुतकलम है और क्या करेंगे हम के साथ तर्जुमा करेंगे ठीक है इसी तरह ये बात समझ आ गई जरा मुझे कंफर्म कर दी जरा जल्दी से मुझे कंफर्म कर दे समझ आ गई जो नए तालिबात हैं जी हां बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ये अकल तुम अकल तुम यानी अगर हम क़लिमे के आखिर में तुम बढ़ा दें कलमे के आखिर में क्या बढ़ा दे तुम तुम सब मर्द ये तो वैसे भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते तुम सब मर्दों ने ये काम किया वैसे भी मर्द कसूरवार होता तो तुम सब मर्दों ने किया तो अकल तुम तुम सब मर्दों ने खाया अकल तुम तुम सब मर्दों ने खाया तो अगर हम कलमे के आखिर में तुम बढ़ा दी तो इसका मतलब होता है तुम सब मर्द ठीक है जमा मुजक्कर हाजिर कल तुम तुम सब मर्दों ने खाया अब ये इसकी प्रैक्टिस कर ली हूं यहाँ पे लिखा भी हुआ है आसानी के लिए ताकि समझ आ जाए वैसे अभी तक तो आपको जुबानी याद हो चुका है कि अगर कलमे के आखिर में ये किधर गया अगर कलमे के आखिर में तुम आ जाए अगर कलमे के आखिर में तुम आ जाए तो ये जमा मुजक्र हाजिर की अलामत है और इसका तर्जुमा तुम सब मर्दों से करेंगे जैसे अकल तुम तुम सब मर्दों ने खाया शरीब तुम तुम सब मर्दों ने पिया तुम तुम सब मर्दों ने पढ़ा समय तुम तुम सब मर्दों ने सुना अफीज तुम तुम सब मर्दों ने याद किया फाल तुम तुम सब मर्दों ने किया फाल तुम तुम सब मर्दों ने किया बात समझ आ गई अगर कलमे के आखिर में नून अलिफ ना हम बढ़ा देते हैं तो ये जमा मुतकल हम सब ने किया और अगर कलमे के आखिर में तुम बढ़ा दें तो इसका मतलब होगा जमा मुतर हाजिर तुम सब मर्दों ने किया तुम सब मर्दों ने किया ठीक है इसी तरह अगर कलमे के आखिर में कलमे के आखिर में तुम ना बढ़ा दें कलमे के आखिर में हम क्या करें? तुन्ना बढ़ा दें जैसे अकल तुन्ना तुम सब औरतों ने खाया अकल तुन्ना अकल तुन्ना तुम सब औरतों ने खाया नून अलिफ ना बढ़ा देंगे जमा मुतकलिम हम सब मर्दों ने खाया तुम बढ़ा दें अकल तुम तुम सब मर्दों ने खाया तुन्ना न बढ़ा दे अकल तुन तुम सब औरतों ने खाया तुम सब औरतों ने खाया बात समझ आ गई अब ये प्रैक्टिस कर लेते हैं कलमे के अगर कलमे के आखिर में तुन न आ जाए तो ये जमा मुन्नत हाजिर की आलामत है और इसका तर्जुमा तुम सब औरतें से करेंगे तुम सब औरतों या औरतें ये फर्क हो सकता है कोई मसला नहीं अकल तुन्ना तुम सब औरतों ने खाया शरीब तुन्ना तुम सब औरतों ने पिया तुन्ना तुम सब औरतों ने पढ़ा तुन्ना तुम सब औरतों ने सुना हफिज तुन्ना तुम सब औरतों ने याद किया तुम सब औरतों ने किया वो जो छह नए अल्फाज हमने सीखे थे आज खराज तुन्ना तुम सब औरतें निकली दखल तुन्न तुम सब औरतें दाखिल हुई और जलस तुन्न तुम सब औरतें बैठी तुन न इसका मतलब भी यही है सखत तुन्न तुम सब औरतें गिरी हरब तुन्ना तुम सब औरतें बागी ठीक है आगे भी जो अल्फाज है वो आप कर लेंगे ठीक है ये समझ आ गई यहाँ तक बात जी जरा कंफर्म कर दें ये बात समझ आ गई याद भी हो गई मुश्किल के आसान काफी है क्या आगे भी पढ़ लें ये काफी है क्या आगे भी पढ़ लें जरा ये कंफर्म मुझे कर दें कि काफी है कि आगे भी बाकी दो अल्फाज भी पढ़ा दें तो कल में के आखिर में नून नफ ना जो है वो आ जाए तो इसका मतलब होता है जमा मुताली कल ना हमने खाया इसी तरह कल में के आखिर में तुम आ जाए तुम सब मर्दों ने किया कल तुम कल में के आखिर में तुन न आ जाए अकल तुन न अकल तुन्ना ठीक है तुम सब औरतों ने खाया तो बाकी जो है इनशाला कल पढ़ेंगे ठीक है ये गायब की जमा जो है वो कल पढ़ेंगे मैं एक मतलब दोबारा ये तीन दिनों के इस सबक का जो खुलासा है जो हमने पढ़ा है समझा है वो मैं बता देता हूँ जुबानी आप जरा इसको समझ लें अगर कलमे के आखिर में तापतू लगा दें तो अकल तो मैंने खाया वाद मतकल वाद मतक्लिम और अगर, वाहिद, वाहिद और, अगर दें यह, और अगर कलमे के आखिर में ता मफतूह लगा दें अकलता आप एक मर्द ने कहा वाहिद मुजक्कर हाजिर वाहिद वाहिद को यहाँ से लेंगे मुजक्कर को यहाँ से लेंगे और हाजिर यहाँ से वाहिद मुज़क़्कर हाजिर अगर कलमे के आखिर में ताज़िरती लगा देंगे अकलती तो ये वाहिद मुअन्नस हाजिर और अगर कलमे के आखिर में साकिन लगा दें अकलत तो ये वाहिद मुअन्नस मुिब और अगर कोई कलिमा ना हो कोई अलामत ना हो कलमे के आखिर में तो ये वाहिद मुज़क़्कर गायब अकाला अकाला ठीक है फिर उसके बाद हम जमा की तरफ आ गए कलमे के आखिर में नून नफ ना नून नफ ना आ जाए अकल ना हम सब मर्दों ने खाया इसी तरह कलमे के आखिर में तुम आ जाए तो ये जम मुजक्र हाजिर होगा तुम सब मर्दों ने खाया कलमे के आखिर में तुम ना आ जाए तो ये है जमा मुन्नत हाजिर अकल तुम सब औरत होने का आया ये आज का हमारा सबक है तो अल्हम्दुलिल्लाह कुल आठ सीगे हम सीख चुके हैं कुल कितने सीगे सीख चुके हैं आठ सीगे सीख चुके हैं बाकी जो है छः सीगे बाकी है वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे अल्लाह ने चाहा तो बाकी छः सीगे जो है वो कल पढ़ लेंगे अब आप लोगों का होमवर्क क्या है एक तो ये याद करना इसी तरीके से इसी अंदाज़ से जो आपको मैंने बता दिया ये खुलासा ही है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये ख़ुलासा ही है ठीक है वो बाकी जो अच्छे अल्फाज है, हैं वो मिसालें हैं मुख्तलिफ ये आप याद कर लीजिएगा ठीक है अकल तू अकल तकल ति अकल 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 न अकल तुम अकल तुन्ना ठीक इसकी बार बार प्रैक्टिस करें बार बार एक सफ़े आप लिख के बार बार देखते रहें बार बार इसको दोहराते रहें याद करते रहें पुरानी मजीद की तिलावत करते हुए जहाँ कहीं आपको ये अल्फाज नजर आते हैं कलमे के आखिर में ना आता है ठीक है कलमे के आखिर में तुम आता है ना आता है तू आता है ती आता है ता आता है ता आता है तो वो अपने पास नोट करते जाए जैसे शरापीन अन ता जबरता ठीक है जाल तुम ये जाल तुम ये आपने इस तरह प्रैक्टिस करनी है कुरान ना, ना। मजीद की आयत में बता रहा हूँ ना नून आ गया तो इस तरह आप प्रैक्टिस करते जाएं ठीक है और दूसरा होमवर्क आपका ये है कि ये जो छः अल्फाज आपको सिखाए आपने लिखे भी होंगे अपने पास अल्फाज आपने लिखे भी होंगे उन छे अल्फाज के साथ ये जो नए आपको सीधे सिखाए हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी उनकी आपने क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है कर लेंगे अल्लाह ताला आप सबके लिए आसान बनाए और अल्लाह ताला कबूल करें अल्लाह खैरा